गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू आर फाइन। वी हैड कम्प्लीटेड द टॉपिक क्लाइमेट इन आवर प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंड। जी स्टूडेंट्स, लैंड के टॉपिक में वो आपको क्या बताना चाह रहा है कि डेजर्ट जो है वो अर्थ के 1/5 पार्ट तक है, यानी कि अर्थ का 1/5 पार्ट जो है वो क्या है, डेजर्ट है। कुछ डेजर्ट जो होते हैं वो सैंड होते हैं और कुछ के होते हैं रॉकी। अब आप इनकी पिक्चर्स में आए, आपको अपने पेज नंबर 17 की पिक्चर देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि रॉकी सैंड में जैसे छोटी छोटी चट्टाने हैं, जबकि आपके पास सैंड डेजर्ट के जो पूरे रेत से भरा हो। अब जब अपने सैंड और रॉकी को अपने माइंड में रखना है, देन रीडिंग की तरफ दोबारा आके देखते हैं। अब आपको क्या कहना चाह रहा है कि अब सम डेजर्ट जो है वो डेजर्ट जो थे वो सैंड के थे, कुछ क्या है रॉकी, यानी कुछ चट्टान के थे और कुछ मिट्टी से भरे हुए। अब डेजर्ट जो है वो वजह बनते हैं कल्टीवेशन के, और कुछ ज्यादा फर्टाइल लैंड होने की वजह से जो है ये ज्यादा इनकी फर्टाइल जमीन जो है वो यूज होती है, और दरख्त उनका ज्यादा से ज्यादा कटाव किया जाता है, कटिंग की जाती है, और पानी जो है वो ज्यादा यूज होने की वजह से जो लैंड है वो क्या बन जाती है, बैरन एंड अनप्रोटेक्टिव, यानी कि बंजर और गैर पैदावार। एक डेजर्ट बनने की एक और वजह भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, जो चरने वाले होते हैं, जैसे कि बकरी भैंस, ये सब क्या है, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, ये ग्रेजिंग एनिमल्स जो है वो पौधों को विद जड़ों समेत खाते हैं, जिससे क्या होती है, लैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। जो सोयल ड्राई सोयल है, जो ड्राई सोयल है वो हवा की वजह से ब्लोन अवे उड़ के दूर चली जाती है, जिससे क्या होता है प्लांट जो है वो मजीद लंबे अरसे तक ग्रो नहीं कर पाते हैं। सैंडी डेजर्ट जो है वो द सैंड इज नॉट ऑलवेज फ्लैट। आपने सैंडी डेजर्ट देखा होगा, उस आपने देखा होगा बिल्कुल फ्लैट नहीं था, वो क्या है, क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप होती है चांद की, जैसे चांद जैसे जैसे कम असर होता है वो एक, जैसे कि आपने अक्सर फ्लैग में भी चांद की शेप देखी होगी, वो क्रिसेंट शेप होती है। ड्यून्स आर फॉर्म बाय द विंड, उस तरह की टेलों के फॉर्म में होती है ये, जो इमीडिएट। अब चूंकि विंड की वजह से वो सैंड मूव करती है, क्या होती है, रेत के टेले, ड्यून्स होता है टेले, यानी कि इस तरह के ना टेले से बन जाते हैं। इन डेजर्ट इन द मिडल ईस्ट दे आर ड्राई रिवर बेड्स कॉल्ड वादीज। अब बेटा मिडल ईस्ट में जो डेजर्ट है उसमें क्या होता है कि हवा जो रिवर है वो खुश्क हो चुका होता है, जिसकी वजह से इसको ड्राई रिवर बेड यानी कि खुश्क बिस्तर कहा जाता है, इसे वादीज कहते हैं। और अगर यहाँ पे रेन हो जाए तो वादी जो है में फ्लड आ जाता है विद इन मिनट, यानी कि मिनटों के अंदर अंदर फ्लड आ जाता है। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द, अच्छा जी, बाज़ औक़ात क्या होता है कि मिडल डेजर्ट के मिडल में जो है ना एक वाटर का जरिया बन जाता है, जैसे कि ये डेजर्ट आप देख रहे हैं कि एक वाटर का सोर्स है, वाटर का जरिया बनता है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ स्प्रिंग और द वाटर, या तो ये स्प्रिंग बाहर लगता है या फिर ऐसा लगता है जैसे पानी का कोई होल हो। अब इसमें क्या होता है, इसके पास खजूर के या बहुत हार्ड से दरख्त होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे अक्सर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से काफ़ी दूर बहुत स्मॉल सी जो है सेटलमेंट, यानी कि बहुत कम रिहाइश होती है इसके पास ही, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस सैंड को कहा जाता है ओसिस। आगे नेक्स्ट टॉपिक में इज वेजिटेशन। अच्छा बेटा, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो लीव जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो थिक होते हैं, फ्लैशी स्टेम होते हैं और स्पाइनी होते हैं। अब स्पाइनी और फ्लैशी स्टेम क्या होते हैं, ये बेटा ये आपको इसलिए आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, जिसमें बहुत कांटे कांटे से होते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं इनके और बहुत कांटेदार होते हैं। आप इसे नेट में स्पाइनी निकालें, आपको मजीद इसकी पिक्चर आ जाएगी। द थिक, अच्छा जी, ये जो थिक स्टेम होते हैं ये पानी को जो है क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं डेजर्ट के एनिमल्स से, ताकि वो प्लांट को क्योंकि कम खाए, क्योंकि क्या होता है कि चूंकि इनमें कांटेदार होते हैं तो फिर जानवर जो होते हैं वो कम से कम प्लांट्स को ज़्यादा इन प्लांट्स की तरफ आते हैं। और जो रूट है इन प्लांट्स की वो क्या होती है, वो फैली हुई होती है और पानी इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। हाउएवर क्या होता है कि आम तौर पर ये ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, क्योंकि जब यहाँ रेन होती है तो पानी जो रूट्स हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उधर ज़मीन को, यानी कि ज़मीन पानी से इससे पहले जज़ब कर ले, वो पौधे जो रूट्स जो हैं वही पानी को जज़ब कर लेती हैं। ठीक है, आपके पास ये दो पिक्चर्स हैं जो वेजिटेशन की हैं, देख रहे हैं आप जो है कांटेदार हैं और नुकीले से पत्ते, ये देख रहे हैं आप। अगला टॉपिक है एनिमल्स एंड पीपल। अच्छा जी, एनिमल्स और पीपल जो है कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कहते हैं कि डेजर्ट में जो पीपल हैं वो क्यों नहीं रहा जाता, क्योंकि वो एक तो वो ड्राई होता है तो अनवेलकमिंग, यानी कि मतलब वो वेलकम नहीं कराते, क्योंकि वो इतना खुश्क एरिया होता है, इतना ड्राई होता है कि लोग जो हैं
इसमें लोग और एनिमल जो है, डेजर्ट में लोग तो ड्राई की वजह से नहीं जाते हैं, लेकिन डेजर्ट जो है वो एनिमल्स की वजह से जो है ना, डेजर्ट में एनिमल्स ना ये पॉसिबल नहीं है। वो कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि लिजर्ड्स हो गया, स्नेक हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, फॉक्स हो गए, जरबोस। बेटा ये जो जरबोस है ना, ये एक चूहे की शेप की तरह, आप इसे नेट से निकालें आपको उसकी शेप आ जाएगी। हेजहॉग्स ये भी तिनको द ताए वो से निकालें आपको उसकी शेप आ जाएगी। हेजहॉग्स ये भी तिनको द ताए वो कांटेदार होता है जानवर, जो अपने आप कुछ पागे गोल सा बनाता है, उसके उसके ऊपर कांटे होते हैं। आप इसको भी जो है नेट से सर्च करें, आपको इसकी पिक्चर नजर आ जाएगी। इंसेक्ट एंड बर्ड लाइफ इन द डेजर्ट, ये वो एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में, बर्ड लिव्स इन द डेजर्ट, इनके ये वो एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो डेजर्ट में होते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया दे आर कैंगरूज, कैंगरू एंड वॉलेबीज। अब ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कैंगरू वॉलेबीज के एनिमल्स रहते हैं। थर्ड अरेबियन और सहारा डेजर्ट में जो है वो कैमल जो है वो ट्रांसपोर्ट की चीजों और लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। अब डेजर्ट में कैमल का शिप क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि ये जो है कई कई माइल जो है वो ट्रेवल जो है कर सकता है सैंड में। अब ये ट्रेवल कैसे कर सकता है, क्योंकि ये पानी का बहुत ज्यादा जखीरा अपने अंदर सेव कर लेता है, और इसे मजीद पानी की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके पैडेड फीट होते हैं, मतलब इसके पैडेड फीट होते हैं कि अंदर से बहुत नरम नरम से होते हैं, और एंड डू नॉट सिंक सिंक मतलब होता है डूबना, मतलब ऐसा था कि अगर आप मट्टी के टेले में या ज्यादा से मट्टी में पाँव रखें तो आपका पाँव ऑटोमेटिक नीचे की तरफ दबेगा। लेकिन कैमल के फीट पैडेड फीट होते हैं, ऐसा फॉर्म ये फॉर्म फॉर्म से होते हैं जिससे वो मट्टी के अंदर मजीद दबने नहीं है, और इनके जो है ईजिली ये नेक्स्ट कदम उठा सकते हैं। अब इनकी आईलेशेस जो होती है वो बड़ी होती हैं ताकि ये मट्टी से इनको प्रोटेक्ट कर सके। नोस्ट्रल इनके बंद होते हैं ताकि इसके अंदर सैंड जो है वो ना जा सके। ये यही वजह है कि जो ये जो है वो डेजर्ट के लिए अडॉप्टेड है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो डेजर्ट में बहुत कम होती है, क्योंकि हार्श क्लाइमेट की वजह से और लैक ऑफ वेजिटेशन और वाटर की कमी की वजह से ये अनडेवलप्ड लैंड है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ इसमें सेटल होने के लिए, इसमें बसने के लिए अट्रैक्शन नहीं रखते हैं। लेकिन ज्यादातर नोमैडिक ट्राइब वो लोग होते हैं जो एक जगह मुसलसल एक जगह टिक के नहीं रहते, मतलब ये वक्त में अपनी जगह चेंज करते हैं, कभी कहीं जो है अपना खता हैमा लगा लेते हैं, कभी कहीं पे, इन्हें नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं। जैसे बैडविन जो थे वो अरेबिया के हैं, तौरिक जो है वो वेस्टर्न सहारा में है, एंड बुश मैन ऑफ दी कलहारी लिव इन दीज एरियाज। ये वो जो हैं ट्राइब्स हैं जो इन एरियाज में रहते हैं। थैंक यू क्लास।